दोस्तों, हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट देखे हैं उसी का ये सेकेंड पार्ट है। ओके, तो सेकेंड पार्ट में बने रहे दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था से चल रहा है क्वेश्चन एंसर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एंसर एक्सप्लेनेशन, तीनों चीज चल रहा है दोस्तों। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन से। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है कितनी है दोस्तों? 7। भारत में वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 7 है। ये है दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और दमन और दीप तथा लक्षद्वीप। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? दोस्तों आंसर 29 राज्य संघ। वर्तमान में भारत संघ में कुल 29 राज्य तथा 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, दक्कादीव, मिनीकोई और अमीन देवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? 1973 ईस्वी। लक्कादीप, मिनीकोय और अमीन देवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप वर्ष 1973 में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। संघ राज्य क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। जम्मू और कश्मीर राज्य क्षेत्र है और इसे अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जबकि भारत में 7 केंद्र संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी है। 1956 में राज्यों का पूर्ण गठन करने से क्या होता है दोस्तों? आपको ऑप्शन देखकर बताना है। 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। ओके, 1956 में राज्यों का पूर्ण गठन करने से 14 राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तथा 6 संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दक्कादीव बने थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? दोस्तों आंसर जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार है। विकल्पों में दिए गए अन्य अधिकार राजनीतिक अधिकारों से सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? दोस्तों आंसर 1976 ईस्वी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3/1/1977 से लागू भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिनकी संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद से 11 हो गई है। भारतीय संविधान लागू हुआ था कब से? 26 जनवरी 1950 से। रिपीटेड क्वेश्चन, संविधान सभा के तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर 1949 को हुई और इसी तिथि को सभा के सभापति के हस्ताक्षर के साथ ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापर्त किया गया तथा इस तिथि से ही यद्यपि संविधान के नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू कर दिए गए, किंतु अंतिम रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को ही पूर्णतः लागू हुआ तथा इस तिथि को ही उसके प्रारंभ होने की तारीख कहा गया। भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हमारे
संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि दोस्तों आंसर इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था। ओके, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 को। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों? आंसर सर बीएन राव। भारत की संविधान सभा के संविधानिक सलाहकार सर बीएन राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा सर बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया दोस्तों। आंसर क्वेश्चन विस्तार। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों? आंसर बीएन राव। व्याख्याओं पर देख चुके हैं, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है दोस्तों। आंसर पृथकता का खतरा। संघीय शासन में शक्तियों का केंद्र एवं राज्य के मध्य बंटवारा होता है, जिसमें पृथकता का खतरा बना रहता है। इसके विपरीत एकात्मक शासन प्रणाली में अधिकांश शक्तियां केंद्रीकृत होने के कारण इसमें सुदृढ़ता तो बनी रहती है, परंतु इस पर स्थानीय हितों की उपेक्षा का आरोप लगता है। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है दोस्तों? आंसर संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका दो सदन वाली होती है। यहां निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि उच्च सदन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए संघीय शासन प्रणाली में द्विसदनीय पद्धति का अनिवार्य लक्षण है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों? आंसर समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर एक पार्टी का शासन पर वर्चस्व होता है और सारी सत्ता सर्वहारा के अधिनायकत्व के नाम पर सत्ताधारी पार्टी के केंद्रीय संगठन में केंद्रित रहती है। उदाहरण के लिए पूर्व सोवियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, क्यूबा आदि है। भारत एक क्या है दोस्तों? लोकतंत्र है। भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र शब्द का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण और इस शब्द में क्रेसी शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ शासन होता है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ जनता का शासन है। निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है दोस्तों? आंसर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी मतलब लघु संविधान माना जाता है। इस अधिनियम संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई है। अगला है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अगला है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है दोस्तों? आंसर सेकेंड। भारतीय संविधान के भाग सेकेंड में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक में समाहित है दोस्तों। मिलान करने वाला है, आप मिलान कीजिए, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए क्या क्या होगा, थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका पंजीकरण से होता है। भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका वंचित करने से होता है, करने पर। मूल अधिकार विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण से होता है। अगला है, भारतीय संघवाद निकट है। दोस्तों आंसर होगा कनाडा के। भारतीय संविधान सभा ने अमेरिकी या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को न अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया, अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? दोस्तों आंसर कनाडा से। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? दोस्तों आंसर कनाडा से। कनाडा के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। यद्यपि भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु अमेरिकी संविधान की भांति दोहरी नागरिकता के प्रावधान को देश हित में नहीं अपनाया गया, देश हित में नहीं अपनाया गया। विधि का शासन की संकल्पना कहां की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? दोस्तों आंसर ब्रिटेन। विधि की सर्वोच्चता इंग्लैंड की संस्थानों और संस्थाओं की प्रावधान विशेषता है। विधि के शासन का सीधा अर्थ यह है कि इंग्लैंड में विधि का शासन है, न कि किसी व्यक्ति की निरंकुश इच्छा का। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी उच्च पदों पर पदासीन क्यों ना हो, विधि के नियंत्रण से मुक्त नहीं है। विधि की दृष्टि से सभी नागरिक समान है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? B.R. अंबेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर B.R. अंबेडकर को माना जाता है। यह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूप किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, सदस्य नहीं थे? दोस्तों इसका आंसर आप व्याख्या से ढूंढ लीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति में गोपालाचारी अयंगर और राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं थे। दो आंसर है इसमें। भारतीय संविधान की 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में डॉक्टर B.R. अंबेडकर अध्यक्ष तथा K.M. मुंशी अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, B.L. मित्रा, D.P. खेतान, N. गोपाल स्वामी अयंगर और मोहम्मद सादुल्लाह सदस्य थे। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? दोस्तों आंसर संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। दोस्तों अगला है विस्तार। भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षणों में संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली आदि शामिल है। इन्हें अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित नहीं किया जा सकता। SR बोमई केस में उच्चतम न्यायालय ने इन्हें संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल किया है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों USA। USA अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो दोस्तों भारत का है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? दोस्तों
हिंसा है जम्मू और कश्मीर। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में केवल राज्य सरकार से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है। ओके, संघ संघीय सूची में कितनी मदें हैं दोस्तों? 97। विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। सूचियां एवं उनमें विभाजित विषयों की संख्या इस प्रकार है। संघ सूची 97 विषय, राज्य सूची 66 विषय, समवर्ती सूची 47 विषय। संघ सूची में 2A, 92A एवं 92B के रूप में 3 अतिरिक्त विषय भी शामिल किए गए हैं, लेकिन सूचियों की अंतिम संख्या 97 ही है, न कि 100। किसी भी रूप में सूचियों की संख्या 99 नहीं हो सकती है, जिसे SSC ने अपने उत्तर के रूप में स्वीकृत किया है। इस प्रकार सही उत्तर सी है दोस्तों। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा। SSC ने थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। स्थानीय सरकारें आधार है लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वो हजारों गलतियां करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है दोस्तों? आंसर, जातीय व्यवस्था। स्वतंत्र भारत के संबंध में यह परिकल्पना की गई थी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, किंतु स्वतंत्रता के 6 दशकों के बाद भी जाति व्यवस्था भारतीय राजनीति से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हुए हैं, जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत है। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में कौन से तत्व आवश्यक है दोस्तों? उपयुक्त सभी, मीन्स स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। दोस्तों अगला क्वेश्चन, पहले विस्तार। किसी देश में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना के लिए उपयुक्त वर्णित विकल्पों में से सभी विकल्पों के तत्व आवश्यक होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो दोस्तों? हिंसा, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ... सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है दोस्तों? आंसर, लोकतांत्रिक। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने 72 नंबर क्वेश्चन तक देखे हैं और ये चैप्टर का अंत हुआ दोस्तों। तो इस चैप्टर का 2 वीडियो बना है, दोनों वीडियो आप जरूर से जरूर देखें। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों करें, इसलिए कि मैं नया हूं दोस्तों, आपसे आग्रह करता हूं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।